नमस्कार एडवर्टाइज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे BAMS के कट ऑफ को लेकर। ये BAMS को कट ऑफ आपको जानना है, आपका रैंक आ गया है, मार्क्स आपको पता है, और लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बहुत सारे बच्चे कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लास्ट ईयर के कट ऑफ से आप स्टेट कोटा की बात करें या ऑल इंडिया कोटा की बात करें, कंपेयर ना करें, वरना आपको निराशा ही हाथ लगेगी, क्योंकि लास्ट ईयर का सीनरियो जो था बिल्कुल ही अलग था। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे BAMS का। अगर कोई भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी ऑल इंडिया कोटा के अंडर की बात कर रहे हैं, तो उसके कट ऑफ के लिए हम लोग कुछ रेंज डिसाइड करेंगे। वो रैंकिंग के अकॉर्डिंग देखते हुए हमने किया है, जिस रैंक तक अप्लाई करता है चीज उसके अकॉर्डिंग मार्क्स हम आपको बताएंगे। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो नहीं समझ रहे बच्चे, उनको मैं बता दूं कि BAMS की जितनी भी गवर्नमेंट सीटें हैं उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक ऑल इंडिया कोटा यानी कि ऑल इंडिया की सीटें भरती है, सारे राज्य के बच्चे उसमें किसी भी राज्य में कहीं भी कोई भी जा सकते हैं। एक होता है स्टेट का, जो हर एक स्टेट का अपना पर्सनल सीट होता है, वो 85% होता है, और ये 15% सीट होता है। जैसे 100 सीट है किसी राज्य के पास, तो वो अपने 100 सीट की 15 सीटें ऑल इंडिया को दे देती है, और बाकी की वो 85 सीटें वो खुद फिलअप करती है, अपने स्टेट के बच्चों को फिलअप करती है। जैसे बिहार के बच्चे के लिए 85 सीट रिजर्व होता है, और 15% सीट में बिहार के बच्चे नहीं बाहर के बच्चे आ सकते हैं, है ना, इस तरह की बातें होती हैं। तो हम लोग बात करते हैं कैसा कट ऑफ रहने वाला है गवर्नमेंट की सीट के लिए। तो देखिए, मैं आप लोग से पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन बच्चों को भी रैंकिंग और उनके मार्क्स आ गए हैं, उन्होंने देख लिया, रैंक पता चल गया, वो कमेंट करके अपने रैंक और मार्क्स मुझे बताएं, ताकि मैं और क्लियर कट एनालिसिस करके आपको ज़्यादा हेल्प कर सकूं। और जो बिहार के बच्चे हैं खासकर, वो भी अपने स्टेट के साथ मेंशन करें, ताकि मैं बिहार की जो कट ऑफ होने वाली है उसको लेके वीडियो बना सकूं और आपको बता सकूं, कुछ हेल्प कर सकूं। पहले आइडिया लग जाएगा, है ना, तो आपके रैंकिंग और मार्क्स को देख के ही आइडिया लग पाता है ज़्यादा अच्छे से। तो अपने स्टेट के साथ आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। अब बात करते हैं गवर्नमेंट BAMS को लेके। तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है आपको कि जो जनरल कैटेगरी है उसका आपको कितना रहने वाला है। तो मैं यहाँ पे जो 540 लिख रहा हूँ, ये आपके सेफ जोन के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है ना। वैसे आपको मैं बता दूँ कि ये रेंज लाई कर सकता है कितना, 540 से प्लस तो आपको आसानी से मिल जाएगा, इससे कुछ कम पे भी लास्ट राउंड तक आप उम्मीद रख सकते हैं, जो कि आपको कितना रहने वाला हो सकता है। तो हम लोग इसको एक एवरेज रेंज बना लेते हैं जनरल के लिए। तो हम लोग बात करते हैं कि 520 से लेके 550 तक का एक रेंज क्रिएट कर लेते हैं, है ना, कि इस रेंज में आप हैं तो आप बिल्कुल निफिक्र रह सकते हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको मिल जाएगा। बाकी इससे कम और ज़्यादा दोनों का आप कंसीडर कर सकते हैं थोड़ा बहुत, है ना, वो तो कोई भी आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कट ऑफ, इस तरह की बातें ये बात आप कर सकते हैं। ये जनरल के लिए गवर्नमेंट की BAMS की सीट को लेकर बात हो रही है ऑल इंडिया कोटा की। इसके बाद हम लोग बात करें तो क्या किया जा सकता है, आपको OBC की बात कर लेते हैं। देखिए, OBC जो है आपका और EWS जो है आपका, ये दोनों का लगभग लगभग एक जैसा ही रहता है। तो BAMS और EWS के अंदर कंसिडर करें तो ये आपको जनरल से बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं रहता है। तो इसका मैं आपको 530 मार्क्स जो है वो फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, आपको बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ इस तरह की बातें। बाकी आप इसका रेंज क्रिएट करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 510 से लेके 530 का एक रेंज क्रिएट कर सकते हैं, ना कि इस बीच में आप अपने आप को उम्मीद में रख सकते हैं, ना इस तरह की चीज़ें। बाकी आपको 19-20 सब में ध्यान रखना है, थोड़ा बहुत तो होता ही होता है, इस तरह की बातें। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि अगर SC की बात कर लेते हैं ना, और ST की बात कर लेते हैं, इन दोनों कैटेगरी के अंदर SC में हम बात करें तो आप कितना उम्मीद कर सकते हैं। देखिए, 400 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर है आपको, है ना, SC कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं इस तरह की बात। तो 400 प्लस है तो मिलेगा ही मिलेगा, फिर भी एक रेंज आपको हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्रिएट करते हैं 350 से लेके, समझ रहे बात को, 370 तक, है ना, इस रेंज में 370 प्लस की बात कर ले तो आप उम्मीद कर सकते हैं। 380 कर लीजिए इसको तो ज़्यादा अच्छा है, 380, है ना, इस रेंज में हम लोग बात करें। इसके प्लस में 400 प्लस या 400 के आसपास मार्क्स है तो आप श्योर रहिए, आपको मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। ST की बात करें हम लोग तो इसका भी थोड़ा बहुत ही 19-20 रहता है ST के अकॉर्डिंग, है ना, तो इसका भी आप लोग लगभग लगभग कह सकते हैं 350 से लेके, है ना, 380 नहीं, इसका 370 हम लोग कर लेते हैं, ना इस तरह की चीज़ें इस रेंज में आप कह सकते हैं। और 370 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आपको BAMS की एक गवर्नमेंट सीट ऑल इंडिया कोटा के अंदर मिल जाएगी।
बाकी इस टाइप की वीडियो को लेके एनालिसिस के लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और बिहार स्टेट के जो बच्चे हैं जो GSE पटना में एडमिशन लेना चाहते हैं वो कमेंट करें अपने कट ऑफ अपने रैंक के साथ, है ना, सारी बातें बताएं, मेंशन करें कमेंट में, तो मैं एनालिसिस कर लूँगा। क्योंकि आपको देखिए इस साल लास्ट ईयर से कंपेयर करके बता पाना मुश्किल है ना। रैंकिंग तो हेल्प करती है पर मार्क्स हेल्प नहीं कर रहे हैं। लास्ट ईयर की रैंकिंग और मार्क्स दोनों ही गड़बड़ हो रही है, क्योंकि सिनेरियो आप लोगों को लास्ट ईयर का पता है कि मान्यता वगैरह बहुत ही कम कॉलेजों को क्लियरेंस मिल पाया था शुरू शुरू में। इस तरह की गड़बड़ी हुई थी काउंसलिंग में लास्ट टाइम, है ना, तो प्रॉब्लम हुआ था। तो धन्यवाद, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।